साथियों नमस्कार, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज मिश्रा। आप देख रहे हैं गोरखपुर समाचार। अलविदा की नमाज यानी आज लास्ट फ्राइडे आप द रमज़ान है और सभी मुस्लिम भाई लगातार एक महीने का जो रोज़ा होता है इस कड़ी धूप में नमाज पढ़ के निकल रहे हैं और एक चेहरे पे खुशी की रौनक दिखाई दे रही है कि धीरे धीरे जो रमज़ान का पाक महीना है वो निकल रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से निकल चुके हैं और आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि अंतिम शुक्रवार है और हर मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है। ठीक हमारे पीछे मदीना मस्जिद है और सामने इसको बैद जी का मस्जिद कहते हैं जो सामारूप गली की तरफ जाता है। और देखिए दुकानदार भी यहाँ से निकल चुके हैं नमाज के लिए क्योंकि नमाज आज सबकी अदा होनी है, कोई नमाज से छूटे नहीं। इसलिए प्रत्येक मस्जिदों में अपने अपने आसपास के सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है उसको नए पीढ़ी के लोग भी लगातार निभाने की कोशिश में भिड़े हुए हैं। और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारी तादाद में लोग नमाज अदा करके इस कड़ी धूप में, चूँकि इस समय टेम्परेचर 35 के ऊपर है और चूँकि व्रत हैं बिना पानी के हैं और सुबह से कुछ एक अन्न जल का भी ग्रहण नहीं लेते हैं और शाम को जब नमाज होती है उसके बाद पानी पीने की परंपरा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन तपस्या के बीच इस धूप में अपने घरों से निकल करके मस्जिदों में आ चुके हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आज नमाज अदा करने के लिए आए हैं और हमारे ठीक सामने यह मदीना मस्जिद है जहाँ पे नमाज की तैयारी चल रही है और जो मौलवी साहब हैं वो लोगों को कुछ बातें बता रहे हैं, धर्म के विषय में बता रहे हैं। और तरावी लगातार चलते हुए अपने अंतिम चरण में आई है। चाचा जी क्या नाम है आपका? तरावी आपकी पूरी हो गई? आज धूप थोड़ी तेज है और कैसा लग रहा है कि आप अंतिम चरण में आ गए हैं? आप रोजा तो माशाल्लाह पूरा सही चल रहा है। मेरी बच्ची भी 8 साल की भी पूरा माशाल्लाह रोजा है। अच्छा 8 साल की बच्ची भी है। तो 8 साल की बच्ची जो देखिए रोजा बता रहे हैं कि लगातार है, क्या आपने आज नमाज में मांगा है भगवान से? हमने सबके लिए मांगा है, हिंदुस्तान सभी धर्म के लिए है, सभी लोग अच्छे तरीके से मेल मोहब्बत रहे, इंसानियत रहे, तहजीब रहे, अदब रहे, जैसे राम। और तो कहीं ना कहीं इन्होंने ईश्वर से ये मांगा कि सब लोग सुखी रहें और अपने अपने धर्म का पालन करते रहें और भारत की एकता एक बनी रहे। तो इसी प्रकार से तमाम जो नमाजी हैं वो देखिए धीरे धीरे जो मस्जिद है उसके विभिन्न जो 3 मंजिली मंजिल है उसमें वजू कर रहे हैं। वजू करने के बाद अपने स्थान को लेने की कोशिश में हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के लोग भी सतर्क स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और चूँकि मदीना मस्जिद 3 मंजिल की है तो यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे अपने बढ़ती जा रही है और अभी थोड़े देर में मदीना मस्जिद की ये नमाज अदा की जाएगी। 1:30 बजे नमाज बड़ी मस्जिद यानी घंटा घर में होनी है। उसके बाद महानगर के विभिन्न मस्जिदों में नमाज की अदायगी लगभग 2 बजे तक चलेगी और 2 बजे के बाद या 2 बजे से 2:30 बजे तक आप बता रहे हैं, 2:30 बजे की लास्ट नमाज कहाँ की होती है? आखिरी मस्जिद जो है मैदान में सौदागर और ठीक मदीना मस्जिद के पीछे कोतवाली गेट के सामने है, ये असगरगंज मैदान है, वहाँ पर नमाज होगी। और विभिन्न प्रकार से अपने जो नियम बनाए गए हैं रोजा के उसका पालन करते हुए हमारे मुस्लिम भाई इस कड़ी धूप में, चूँकि ईश्वर भी परीक्षा ले रहा है और लगातार कुछ मौसम खुशनुमा था लेकिन अब मौसम धीरे धीरे प्रचंड गर्मी के रूप में बदलता जा रहा है, टेम्परेचर 35 और 40 लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आस्था में डूबे हुए जो हमारे गोरखपुर शहर के मुस्लिम भाई हैं और अन्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों से, वो कहीं ना कहीं अंतिम परीक्षा देने के लिए लगातार तैयार हैं और परीक्षा का परिणाम ईद के मीठी सेवइयों के साथ वो मिलेगा और ईदी मिलेगी लोगों को, विभिन्न जगहों से ईदी आती है, तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में खुशहाली आए ऐसा गोरखपुर समाचार ईश्वर से प्रार्थना करता है। धन्यवाद गोरखपुर समाचार देखने के लिए।